अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम देखेंगे कि हम अपनी जावा की फाइल को डॉट जार में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने इंटेलीजे पे अपना प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है, तो सिंपल मैं फाइल में आऊँगा, उसके बाद प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट पे होगा तो आपने आर्टिफैक्ट्स पे क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ प्लस के बटन पे क्लिक करना है और ये जार के सामने बिल्कुल जहाँ पे ये आ रहा होगा फ्रॉम मॉड्यूल विद डिपेंडेंसी, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद साइड पे क्लिक करना है, ये देख रहे हैं, आपने इस फोल्डर पे क्लिक करना है, मेन क्लास इस पर क्लिक करना है और ये मेन इस पर क्लिक कर देना है। ये साइड पे आपके प्रोजेक्ट का नेम भी शो होगा, तो आपने इसको सिंपल ओके पे क्लिक कर देना है और ये आपकी आउटपुट इस जगह पे स्टोर होगी, मतलब मेरा प्रोजेक्ट कैलकुलेटर पर, उसके अंदर SRC फोल्डर के अंदर। सिंपल मैं इसको ओके पे क्लिक करूँगा तो ये इसने कुछ बना दिया है, तो आपने क्या करना है इस पर क्लिक करना है और इसके बाद अप्लाई और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है, तो आपने बिल्ड में आ जाना है और उसके बाद बिल्ड आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये पूछेगा क्या बिल्ड कर दूँ या रीबिल्ड करना है या क्लीन करना है या एडिट करना है। मैंने फर्स्ट टाइम हम बिल्ड कर रहे हैं, तो मैं इसको सिंपल बोलूँगा कि आप बिल्ड कर दें, तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो उसके बाद इसने ये देखें बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ये कंप्लीट होगा हमें हमारी फाइल जो है वो मिल जाएगी .jar में। ये तो ये कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम देखते हैं कि हमारी फाइल तो यहाँ पे पड़ी होगी। यहाँ आउटपुट के अंदर आर्टिफैक्ट्स कैलकुलेटर और ये जार, डबल क्लिक करके मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये सही वर्क कर रही है या नहीं। ओके जी, इट्स फुल्ली वर्किंग। सो इस तरह से आपने जो है ये काम करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।